अब मैं सीधे एक दोस्ती की कविता पर आना चाहता हूँ, क्योंकि दोस्त हमारे यहाँ इस कवि सम्मेलन में वैसे भी दोस्तों की बड़ी इम्पोर्टेंस है साहब। भाई मनोज जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, भाई राजीव उपाध्याय जी अभी शायद निकल गए, इसमें ये दोस्तों का ही एक आयोजन है। पूरी पंक्ति यहाँ पे, प्रथम पंक्ति दोस्तों की मेरी बैठी हुई है, भाई चांद कपूर जी, रोहित सब लोग जी, भाई पेठा वाले जी, राजेश अग्रवाल हमारे अध्यक्ष भी हैं, जयसवाल जी, भाई साहब संजय जी। तो दोस्ती की बड़ी इम्पोर्टेंस होती है साहब। हमारे कई तरह के रिश्ते, हमें खूबसूरत रिश्ते ज़िंदगी में मिलते हैं, माता पिता से का बहुत खूबसूरत रिश्ता होता है, लेकिन वो ज़िंदगी में अंतिम समय तक आपके साथ नहीं रहता, शुरुआत से मिट तक जब भी रहेगा। बच्चों का रिश्ता आपके जीवन में 25-30 साल बाद आता है, लेकिन एक रिश्ता ऐसा होता है जिस दिन से आप होश संभालते हैं और जब अंतिम यात्रा पर जा रहे होते हैं, तो एक रिश्ता होता है दोस्त, वो आपके शुरू से लेकर आखिर तक साथ होता है। उस दोस्त के लिए एक कविता सुनिएगा और मुझे आपका समर्थन, यदि कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई दोस्त याद आए तो मुझे समर्थन आपका मिल जाए। भैया बहुत बढ़िया बात की है त्यागी जी आपने, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। खुदी फसाते वाट लगाते दिल में रखते प्यार, क्या होते हैं दोस्त, क्या खुदी फसाते वाट लगाते दिल में रखते प्यार, खूब सताते फिर कहते चल चल करते हैं यार, खुदी फसाते वाट लगाते दिल में रखते प्यार, खूब सताते फिर कहते चल चल करते हैं यार, घर पर माँ से झगड़ झगड़ के एक अठन्नी पाते, घर पर माँ से झगड़ झगड़ के एक अठन्नी पाते, उसी अठन्नी की टोफी फिर बाट बाट के खाते, जो डिब्बे में सबसे बढ़िया खाना लेकर आता, यारों की दावत मनती और वो भूखा घर जाता, दांत से कच्चे मन के सच्चे, दांत से कच्चे मन के सच्चे यारा दा दिलदार, खूब सताते फिर कहते चल चिल करते हैं यार, खुदी फसाते वाट लगाते दिल में रखते प्यार, खूब सताते फिर कहते चल चिल करते हैं यार। इसके बाद दोस्ती के कई फेज होते हैं, ये बचपन की दोस्ती हो गई, इसके बाद जवानी की दोस्ती हो। जवानी में तो दो ही चीजें होती हैं साहब, एक तो इश्क होता है और दूसरा क्या होता है, बेटा तूने पहले सुन लिया मेरा, ये रिपीटेड श्रोता बड़ी दिक्कत करते हैं। बहुत बढ़िया, बच्चे के लिए तालियां, याद भी रखा है कि होने वाली क्या कैसे होती है जवानी की दोस्ती, के होने वाली भाभी तक वो प्रेम पत्र पहुंचाते, होने वाले सालों से चुपचाप मार भी खाते, और देखिए जस्ट ब्रेकअप का भी वो जश्न मनाते, और किस तरह, कोई टेंशन ही नहीं साहब दोस्त यदि साथ में हो, कि जश्न मनाते ब्रेकअप का ना होने दे अफसोस, अरे जाने देना बहुत मिलेंगी सुन भर जाता जोश, यारों की यारी से समझा पहला पहला प्यार, यारों की यारी से समझा पहला पहला प्यार, खूब सताते फिर कहते चल चिल करते हैं यार, खुदी फसाते वाट लगाते दिल में रखते प्यार, खूब सताते फिर कहते चल चिल करते हैं यार। अद्भुत ही होती है साहब दोस्ती, जब दोस्त यदि साथ हो तो जिंदगी की किसी भी तरह की टेंशन हो वो टेंशन नहीं रहती, हर चीज के हल मिल जाते हैं, हर चीज को मस्ती में निकल जाती है, कोई भी किसी भी तरह की दुविधा हो। और ये जो दोस्त हम जो हमारी उम्र के दोस्त बनते हैं,
एक तो शादी का एक बड़े संस्कार होते हैं, एक तो दोस्ती का संस्कार हो गया, एक शादी का संस्कार हो गया, जो हमें नेचुरल रिश्ते नहीं मिलते यहाँ के बनते हैं, लेकिन दोनों में बहुत फर्क है। शादी का जो रिश्ता बनता है वो गुण मिला के बनता है, लेकिन दोस्ती का रिश्ता अवगुण मिला के बनता है। ये दोस्ती की खासियत होती है, सारे अवगुण मेल मिले तो कैसे देखें दोस्त, सारे अवगुण में सबका साथ मिल जाए, मेरा अंतिम मंत्र है। मैं समय, मेरी भी उतनी ड्यूटी बनती है कि मैं समय कम लूं। कि सारे अवगुण मेल मिले तो कैसे देखें दोस्त, सारे अवगुण मेल मिले तो कैसे देखें दोस्त, और जैसे सुन वीरू के गुण उड़ते मौसी के हो, सारे अवगुण मेल मिले तो कैसे देखें दोस्त, जैसे सुन वीरू के गुण उड़ते मौसी के होश, और सारे हल मिल जाते चाहे जैसी भी हो उलझन, सारे हल मिल जाते चाहे जैसी भी हो उलझन, मिले यार तो लगे लौट के आया जैसे बचपन, क्या बोले कि सबके सब मक्कार बहुत थे यार, खूब सताते फिर कहते चल चल करते हैं यार, खुद ही फंसाते बाट लगाते दिल में रखते प्यार, खुद ही फंसाते बाट लगाते दिल में रखते प्यार, खूब सताते फिर कहते चल चिल करते हैं यार। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे।